फ्रेंड्स, फिर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो के लिए वेलकम बैक। तो हमारे पास अभी एग्जांपल्स जो हमने स्टार्ट किए थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्व एग्जांपल 4 है, पेज नंबर 227। इससे सॉल्व एग्जांपल होने के बावजूद भी काफी बच्चों को इसमें दिक्कत जा रही है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो काफी बच्चों ने पर्सनली भी पूछा है पर्सनल व्हाट्सएप से। तो नोट डाउन हियर, अ फियर डाई इज थ्रोन। ओके, अ फियर डाई इज थ्रोन। एक्सपेरिमेंट हुआ, 1 से लेकर 6 तक के आउटकम्स रहेंगे। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस पे जो नंबर आएगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे वो रहेगा आपका x। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट x। सबसे पहले जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है वो क्या है ये समझ में आ गया तो पूरा प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया हुआ, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर डाई इज थ्रोन, देन सैंपल स्पेस n इक्वल टू 1 से 6 तक के लिख दिया। नाउ x डिनोट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर ऑन अपर बेस। अपर बेस पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओके, 1 का फैक्टर 1 ही रहेगा। तो काउंटिंग में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। 2 के फैक्टर्स 1 और 2 रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, 2। 3 के फैक्टर्स 1 और 3 रहेगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, 2। 4 के फैक्टर्स 1 2 4, ऐसे 3 फैक्टर्स मिलेंगे आपको, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिलेगा, 3। 5 के फैक्टर्स 1 और 5, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 2। और 6 के फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6, दैट मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 4। तो वही हम टेबुलर में यहाँ अरेंज किया स्टूडेंट्स, की टेबल में हम दिखा दिए कि देखो यहाँ नंबर ऑन द फेस, नंबर ऑन अपर फेस, उस नंबर के फैक्टर्स, अब वो कितने फैक्टर्स से बोल रहा है यहाँ पर, काउंटिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स इंडिकेटेड बाय x। तो देखो यहाँ पे पहला अपर फेस के ऊपर का पहला नंबर 1 और उसके फैक्टर्स 1, काउंटिंग में कितना डिजिट हुए, 1, तो काउंटिंग में नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 किसका, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 होगा वो आउटकम कौन सा, 1। नाउ 2, 2 के फैक्टर्स 1 और 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, 1 एंड 2, दैट मीन्स 2। ओके, सिमिलरली 3 के 1 और 3, काउंटिंग में कितना बना, 1 2, तो 2 फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 2 फैक्टर्स। 4 के फैक्टर्स 1 2 4, कितने मिले, 3 फैक्टर्स। 5 के फैक्टर्स 1 5, कितने मिले, 2 फैक्टर्स। और 6 का कितना मिला, 1 2 3 6, कितने मिले, 4 फैक्टर्स। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, टेबल में इसको अरेंज करके दिखा दिया, ये आपके अपर फेस के ऊपर के काउंटिंग जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनका काउंटिंग जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स वो बाजू में लिख दिया। यानी कि रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 एंड 4, 2 रिपीट हो रहा था एक ही बार लेंगे कि नहीं, सो रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यूज 1 2 3 4, इज इट। सो फिर रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू लेगा वो हमने मेंशन कर दिया हियर, सो हियर x टेक्स वैल्यूज 1 2 3 4। एंड नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। तो इस x से असाइन द नंबर निकालने के लिए वो कौन सा आउटकम है सैंपल स्पेस में कि जिससे ये आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 रहेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर 1 दिखाने वाला एक ही आउटकम है अपर फेस पर, वो है आपका 1। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 दिखाने वाला आउटकम आपका सैंपल स्पेस में क्या है, 1 ही है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम 1 और वो बनेगा 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2। तो 2 फैक्टर्स कौन से आउटकम के है टेबल में दिखा दिया, 2 के खुद के भी 2 फैक्टर्स से, 3 के भी 2 फैक्टर्स से और 5 के भी 2 फैक्टर्स से। तो 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स दिखाने वाले आउटकम्स कौन से है, 2 3 5।
फिर से हम रिपीट यहाँ पर बोल रहे हैं टू, यहाँ से देखो टू नंबर ऑफ फैक्टर्स दिखाने वाले, टू टू टू, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स दिखाने वाले आउटकम्स कौन से हैं, टू थ्री फाइव। इस तरीके से ये टू थ्री फाइव इन की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स थ्री आउट ऑफ सिक्स, थ्री बाय सिक्स वन बाई टू। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू थ्री। नंबर ऑफ फैक्टर्स थ्री कौन से आउटकम के है, फोर, अपर केस के ऊपर फोर होगा तो उसके तो वन टू फोर मिला कि नहीं, तो फिर फोर आउटकम का नंबर ऑफ फैक्टर्स थ्री है तो उस आउटकम के रिलेटेड प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स। एंड नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट मीन्स एक्स इक्वल टू फोर, फोर फैक्टर्स होंगे वो वाला आउटकम कौन सा हुआ सिक्स, ओके, तो फिर सिक्स की प्रोबेबिलिटी रिलेटेड आउटकम की ही प्रोबेबिलिटी होती है तो वो रहेगा आपका वन बाई सिक्स। और इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका वन का, ये टू का, और ये थ्री का, और ये फोर का। ये रहा आपका कंसेप्ट जो आपको टेक्स्ट बुक में क्लियर नहीं भी समझ में आया तो आई थिंक सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। राइट डाउन दिस वन। नाउ द नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ओके, अब देखो थ्री थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस मीन्स जैसे ही हमें दो डाइस बने अपन ले लिया, दो डाइस का गेम चल रहा है, अपन एक डाइस को उछाल उछाल के अपन गेम खेलते कि नहीं, तो यहाँ पे दो डाइस को उछालना है, मतलब दो डाइस मेरे हाथ में है एक बार, दो साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों एक बार, या फिर दोनों के दोनों दूसरी बार, या फिर दोनों के दोनों तीसरी बार, जब भी गिरेगा वो जोड़ी से गिरेगा, जोड़ी से गिरेगा, जोड़ी से गिरेगा, समझ में आ गया। तो थ्री थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस, ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। डबलेट्स मतलब जहां ये जोड़ी से गिरने के बाद जहां का फर्स्ट और सेकंड दोनों भी नंबर सेम होगा उसको बोलेंगे डबलेट। वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ऐसा कुछ आ जाए, ऐसे नंबर ऑफ डबलेट्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है। तो रैंडम वेरिएबल किसको लेंगे, डबलेट्स को, नंबर ऑफ डबलेट्स को लेंगे रैंडम वेरिएबल। जिसका भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है उसका लेंगे रैंडम वेरिएबल, ओके। अब यहां पर देखो बड़ा तीन स्थान है, यहां पर एक जोड़ी, एक यहां और एक यहां, तो तीन जगह में डबलेट्स एक भी जगह पर नहीं होगा तो फिर क्या लेंगे, जीरो, नो डबलेट। या फिर तीन में से किसी एक जगह पे डबलेट हो सकता है, यहां या फिर यहां या फिर यहां, तो फिर डबलेट्स की संख्या वन हो जाएगी, यानी कि एक जीरो, दूसरा वन, या फिर तीन में से दो जगह पे हो सकता है टू, या फिर तीनों भी जगह पे हो सकता है, मतलब तीन, तो फिर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ डबलेट्स का क्या हो सकता है, जीरो या वन या टू या थ्री, समझ में आ गया। और सारा गेम किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट एंड साइमल्टेनियसली नॉन डबलेट भी जुड़ेगा। तो ध्यान रखो यहाँ से इन अ सिंगल थ्रो ऑफ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन थ्री टाइम्स, वो तीन में से एक बार के लिए हम लिख रहे पहले, इन सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पेयर ऑफ डाइस ना, सैंपल स्पेस का क्या होगा 36। नाउ सिंगल थ्रो में ही चल रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम्स, छह आउटकम्स रहेगा वन वन टू टू थ्री अप टू सिक्स सिक्स, तो सिक्स अपॉन 36 दैट मीन्स वन बाई सिक्स, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट क्या बन जाएगा, क्या करेंगे, वन में से इसको माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा फाइव बाई सिक्स, समझे कि नहीं, तो वन में से इसको माइनस कर दिया तो ये बन जाएगी नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी, इज इट ओके। नाउ अब बार 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 हम डबलेट नॉन डबलेट, डबलेट नॉन डबलेट ऐसा लिखने के बजाय उसको सिंबोलिकली कुछ अगर यूज कर दिया तो डी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट हमने ले लिया, टेक्स्ट बुक वालों ने पी और क्यू लिया तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, कुछ तो लेटर्स इंडिकेट कर लिया था, आगे जाके अपन शॉर्ट इंडिकेशन कर सकते हैं। सो डी क्या ले लिया अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, और एन क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट, ओके। हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल यानी कि नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए हम लिख रहे, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डबलेट्स, तो क्या लिया अपन ने, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डबलेट्स, तो इस तरीके से इन थ्री थ्रोज, ओके, नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज,
तो देन एक्स एक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 असाइंड नंबर जो रहेगा वो 0, 1, 2, 3 रहेगा आउटकम से असाइंड, समझे। अब आउटकम से असाइंड मतलब देखो यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ओके दैट मीन्स पी ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इज इक्वल टू 0, फिर डबलेट्स 0 होने वाले आउटकम्स और डबलेट 0 ना होने वाले आउटकम्स यहाँ पूरा प्रेजेंट करके दिखाते हैं और उसका आंसर निकला जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले ही डबलेट और नॉन डबलेट को मेंशन करके रख दिया था। बात समझ में आ गई, तो हर बार पे यहाँ पर आउटकम लिखने की जरूरत है क्या? हालांकि आउटकम से ही असाइन हुआ नंबर होता है वाला। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी भी बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है असाइन नंबर मतलब क्या। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आउटकम्स आता है वो आउटकम से असाइन नंबर मतलब ये नंबर दिखाने वाला वो आउटकम जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ डबलेट 0 दिखाने वाले आउटकम्स कौन से, वो 6 वाले छोड़ के 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 को छोड़ कर बाकी जो बचेगा 1, 2, 1, 3 वगैरह वगैरह बचेगा कि नहीं, तो वो सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी असाइन विद दिस नंबर। बात समझ में आ गई, तो ये नंबर और वो आउटकम्स इनका जो गहरा रिलेशन है यही कंसेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं हो जाता, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ओके ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इक्वल टू 0 मतलब नॉट डबलेट, नॉट डबलेट, नॉट डबलेट की प्रोबेबिलिटीज अब मैं हर बार नहीं लिखूंगी, क्योंकि नॉट डबलेट का अपन ने एन सिंबल कर लिया है, तो डायरेक्टली एन इंटू एन इंटू एन, नॉट 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 एन क्यूब, और नॉट की प्रोबेबिलिटी कितना था 5/6, पुट कर दिया, ये रहा आंसर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डबलेट, अब 1 डबलेट लेकिन प्लेसेस तो 3 है ना, तो बाकी तो क्या रहेगा नॉन डबलेट, तो 1 डबलेट जंबल क्या रहेगा फर्स्ट में डबलेट, बाकी तो जगह नॉन डबलेट, या फिर बीच में डबलेट, या फिर तीसरे स्थान पे डबलेट, बाकी जगह में नॉन डबलेट। तो देखो यहाँ पर तीनों की जगह से आप देखेंगे, आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन कॉमिटेटिव होता है करके, यानी कि रिपीट 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 हो गया, 8b और 2n का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, तो क्या करेंगे 3 times of बन जाएगा, 3 times of डबलेट की प्रोबेबिलिटी इनटू नॉन डबलेट, नॉन डबलेट की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई, डबलेट नॉन नॉन और ट्राइस क्यों किया, तीनों से मैं करके एडिशन। ओके तो ये रहा आपका इसका, नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मींस क्या रहेगा, पी ऑफ 2 डबलेट, यानी कि 2 जगह पे डबलेट इनटू 1 जगह पे नॉन डबलेट, और एग्जांपल करके रहा आपका आंसर, ये भी बनेगा 3 times में क्या आएगा, 3 times में 2 डबलेट और 1 नॉन डबलेट, और ये रहा उसका आंसर। लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 मीन्स क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 आर डबलेट्स डीडीडी दैट मीन्स 1/6 का क्यूब, और ये रहा आपका, और इसके बाद हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3 और रिलेटेड एक्स का पी ऑफ एक्स यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज यहाँ पुट कर दो, और ये रहा आपका आंसर। ओके रैंडम दिस वन, नाउ स्टूडेंट्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी का यूज करके हम लोग आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। इसका आगे फ्यूचर में हम लोग बेसिकली अल्फाबेट ABCD में ही है, आगे फ्यूचर में अगर आप स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे आगे जाके फ्यूचर में इस प्रोबेबिलिटी का इस कंसेप्ट का हमको उछाल लेके बहुत उनको यूज रह सकता है, लेकिन उसका जस्ट बेसिक ही हमको है इंट्रोडक्शन है। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, वेयर एक्स क्या है रैंडम वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकालेंगे, तो जो भी एक्स होगा वो एक्स टू एक्स वैल्यूज बोलते कि नहीं अपन, वो एक्स इनटू उसका रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या होगा प्लस अनदर एक्स इंटू उसका रिलेटेड प्रोबेबिलिटी प्लस नेक्स्ट वन एक्स की वैल्यू जो भी होगी इंटू उसका रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, मतलब सारे एक्स का रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज के साथ में प्रोडक्ट करके उन सब की सम से जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। ओके तो ये रहेगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसी को हम बोलेंगे मीन यानी कि एवरेज ऑफ दैट रैंडम
variable, the expected value further known as a mean. Okay, find the mean कहा गया तो भी यही find करना होगा. Okay, और find expected value कहा गया तो भी आपको यही find करना होगा. This is the symbol known as sigma. You better know, 11th standard में हम सब पढ़ चुके हैं. Okay, now अब जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ लिया, उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला आपका वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स इज द फॉर्मूला ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो ये इससे सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे हम वेरिएंस. दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, बाय चांस गलती से ये फॉर्मूला इधर इधर कर लिया तो समझ जाओ कि आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब हमने फॉर्मूला उल्टा पुल्टा कर लिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या करेंगे, जो वेरियंस निकलेगा उसी का स्क्वायर रूट निकल के जो आंसर आएगा उसी को बोलेंगे एसडी, दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, पॉजिटिव रूट ऑफ वेरियंस एक्स. एंड नाउ व्हाट अबाउट ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स स्क्वायर. तो नोट डाउन हियर, देखो ई ऑफ एक्स स्क्वायर ही नहीं दूसरा कोई भी होता. जैसे ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, सम ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, सारे एक्स इनटू पी ऑफ एक्स की एडिशन. ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होता तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स. यहां तक से भी पावर नहीं लगाना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो आपको वेरियस रैंडम वेरिएबल नहीं है, बाहर में इसका कैलकुलेशन है. ठीक है, p of x cube मतलब sum of x cube into p of x dash dash. इसी प्रकार आप MCQs लेवल पे अगर पढ़ना चाहो तो e of x का पावर n is equal to sum of x का पावर n into p of x. समझ में आया? तो फिर वेरियंस x में e of x square के लिए आप क्या करोगे, sum of x square into p of x. हम बोल सकते हैं यहाँ से where where e of x square is equal to sum of x square into p of x. समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख लो और ये सब लेकर अभी अगले वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये फाइंड करना क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे. उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस हमें चाहिए थी जो हमने कर चुके हैं. ओके, राइट ऑन दिस वन.